जल्लीकट्टू को लेकर तमिलनाडु के लोगों की भावनाएं अब उग्र होती दिख रही हैं। चेन्नई के मरीना बीच पर जल्लीकट्टू के समर्थन में हजारों लोग जमा हो गए हैं। तमिलनाडु में सांडो पर काबू पाने के प्राचीन और लोकप्रिय खेल जल्लीकट्टू के आयोजन और पशु अधिकार संगठन पेटा पर प्रतिबंध की मांग कर रहे युवाओं का राज्य भर में प्रदर्शन हो रहा है। अब इस प्रदर्शन में कॉलेज के छात्रों का भी समर्थन मिल रहा है। मदुरई, चेन्नई और कोयम्बटूर में हो रहा प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। उधर प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थन बढ़ता जा रहा है। चेन्नई के मरीना बीच पर बुधवार को हजारों लोग इकट्ठे हो गए। इनमें अधिकतर स्टूडेंट्स और युवा हैं। युवाओं में गुस्सा हाल ही में खत्म हुए पोंगल के त्योहार पर जल्लीकट्टू का आयोजन न हो पाने के लिए है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन पर मई 2014 में रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही लोग केंद्र सरकार से जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पेटा के खिलाफ लोगों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि उसकी ही याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था। चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने काले कपड़े पहनकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हजारों प्रदर्शनकारी मरीना बीच पर इकट्ठा हो गए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है लेकिन किसी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस का इंतजाम है। राज्य के दो मंत्रियों से बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाने के बाद सैकड़ों कॉलेज छात्र और अन्य युवा अपनी मांग को लेकर मंगलवार रात भर मरीना बीच पर बैठे रहे। पुलिस द्वारा मरीना बीच की बिजली सप्लाई बंद कर देने के बावजूद रात भर मोबाइल फोन्स की रोशनी के सहारे प्रदर्शन जारी रहा। ऐसे में जल्द ही स्थिति से निपटने के लिए सरकार को आंदोलनकारियों से बात कर फैसला लेना होगा। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।